गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सैफ्रॉन इंग्लिश मीडियम स्कूल। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट अवर चैप्टर नंबर 25। हमारा चैप्टर नंबर 25 है माय टेंसिल। ओके, फर्स्ट तो हम पहले सीखेंगे जो हमारी कंट्री होती है उसके पार्ट्स पढ़ते हैं स्टेट्स में, फिर स्टेट्स में से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट अलग होते हैं और डिस्ट्रिक्ट में से भी पार्ट होते हैं टेंसिल के, और टेंसिल में होते हैं विलेजेस। इस तरह से सारा मैप बनता है। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज रुचन विलेज। ये रुचन का विलेज है, गांव है। ही इज लिविंग इन जयपुर। वो कहाँ पे रहता है? जयपुर में। गिवन बिलो आर द डिटेल्स ऑफ द विलेजेस अराउंड जयपुर। यहाँ पे जयपुर के नियर में जितने भी विलेज है उसकी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। डिस्कस अकॉर्डिंग टू द डिटेल्स गिवन। ओके, यहाँ पे जयपुर है, उसके ऊपर पालू नाम का विलेज है, फिर यहाँ पे आगलोड है, फिर हीरपुरा है और हाथीपुरा है। इस तरह से विलेज मैप यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन से डायरेक्शन में कौन सा विलेज है। ओके, तो विच विलेजेस आर देयर अराउंड योर विलेज। तो आपको इसी तरह से आपके विलेज के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो यहाँ पे हम इस मैप के अकॉर्डिंग आंसर दें तो फालू, आगलोड एंड हीरापुरा एंड हाथीपुरा आर द अराउंड विलेजेस। ओके, इन विच टेंसिल इज योर विलेज। तो आपका जो विलेज है वो कौन से टेंसिल में आता है वो आपको पर्टिकुलर नेम लिखना है। मैंने आपको बताया ना, जैसे हमारी कंट्री होती है वो डिफरेंट पार्ट में स्टेट्स बहुत सारे पार्ट्स में स्टेट कंट्री डिवाइड होती है। स्टेट में स्टेट डिवाइड होता है, डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट डिवाइड होते हैं, टेंसिल में फिर टेंसिल जो होती है उसमें डिवाइड होते हैं विलेजेस। ओके, अब इसी तरह से हम अपना बनाएंगे। माई नेम इज़, आपका जो नाम है वो आपको पैक्स में लिखना है। फिर नेक्स्ट वन इज़ आई एम लिविंग इन, अब जो भी जहाँ पे भी रहते हो वो लिखना है। द विलेज इज़ नियर बाय, माई विलेज इज़ एज फॉलोज। यहाँ पे हमें इस तरह से बनाना है। आपको क्या करना है, मिडल में आपके विलेज का नाम लिखना है, उसकी फोर जहाँ पे भी डायरेक्शन है वहाँ पे आपके अराउंड में जितने भी विलेजेस है उसके अकॉर्डिंग डिटेल्स लिखनी है। मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है, इसी तरह से आपको यहाँ पे उसमें लिखना है। ओके, रिमेंबर एंड राइट द नेम्स ऑफ द विलेजेस। वर्सादा, फिर टिम्बाचुड़ी, वेदांगना, ये सब आपको लिखना है। ये मैंने आपको इसीलिए नहीं बताया बिकॉज आपको ये क्वेश्चन के आंसर आपके अकॉर्डिंग करने हैं, आपके विलेजेस के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। ओके, वी हैव सीन अबाउट द विलेजेस विच आर नियर बाय। देर आर 250 टेंसिल्स इन द गुजरात प्रेजेंटली। गुजरात में प्रेजेंटली कितने टेंसिल्स है? 250। ओके, 250। देर आर वेरियस विलेजेस इन ईच टेंसिल्स, और एक टेंसिल्स में बहुत सारे वेरियस विलेजेस होते हैं, मैंने अभी आपको बताया। ग्रुप ऑफ विलेजेस मेक टेंसिल्स। ग्रुप ऑफ विलेजेस, बहुत सारे ग्रुप ऑफ विलेजेस, एक टेंसिल ग्रुप ऑफ विलेजेस से बनता है। वी विल प्रिपेयर डिटेल्स अबाउट अवर टेंसिल। ओके, अब हम हमारे टेंसिल के बारे में डिटेल्स करेंगे। दिस इज द डिटेल्स ऑफ रतन टेंसिल। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, रतन के टेंसिल है, इसका नाम क्या है? वडोदरा। तो वडोदरा के नियर में क्या है? सावली, पांद्रा, वागोड़िया, फिर करजन। हियर डिटेल्स ऑफ डिफरेंट टेंसिल्स ऑफ वडोदरा आर गिवन, डिस्कस अकॉर्डिंग टू दिस इन डिटेल्स। ओके, फिर इसी तरह से वहाँ पे हमने जैसे विलेजेस का बनाया था वैसे ही यहाँ पे हम टेंसिल बनाएंगे कि हम कौन से टेंसिल में रहते हैं और हमारे अराउंड में कौन से टेंसिल आते हैं। माय नेम इज़, द नेम ऑफ माय विलेजेस आपको लिखना है। फिर माय विलेजेस इन वडगाम टेंसिल, कहाँ पे आपका विलेज आया है वो लिखना है आपको। सम अदर टेंसिल आर ऑल्सो देयर नियर बाय टेंसिल। तो यहाँ पे आपके अराउंड में कौन से टेंसिल अराउंड में है? पालनपुर, दांता, खेरवा, सिद्धपुर, ये सब मैंने एज एग्जांपल लिखा हुआ है। आपको ये आपके टेंसिल के अकॉर्डिंग करना है। ओके, लुक एंड राइट नेम्स ऑफ नियर बाय टेंसिल्स। तो यहाँ पे जितने भी मैंने लिखे थे वो यहाँ पे आपको लिखने हैं। देर आर मैनी विलेजेस नियर बाय अस। हमारे नियर में बहुत सारे विलेजेस हैं। मैनी विलेजेस टुगेदर मेक अ टेंसिल, बहुत सारे विलेजेस से मेक अ टेंसिल। बहुत सारे विलेजेस जो होते हैं वो साथ में मिलके एक टेंसिल बनाता है। ग्रुप ऑफ सम टेंसिल मेक डिस्ट्रिक्ट, और बहुत सारे टेंसिल मिलके एक डिस्ट्रिक्ट बनाते हैं। देर इज सम स्पेशलिटी इन एवरीवन्स विलेज, हर एक के विलेज में कोई ना कोई स्पेशलिटी रहती है।
टेंसिल एंड डिस्ट्रिक्ट. वी विल नोट डाउन स्पेशलिटी ऑफ अवर टेंसिल. हमें क्या करना है, हमारे टेंसिल की स्पेशलिटी यहाँ पे राइट डाउन करनी है. थिंक एंड राइट, नो द डिटेल्स अबाउट योर टेंसिल एंड राइट. एनिमल, व्हीकल, पिलग्रिमेज प्लेसेस फॉर साइट सीइंग, फेयर्स, मेन फेस्टिवल्स. ओके, एनिमल्स में काउस, बफेलोस, गोट्स, फिर व्हीकल में बाइसिकल, मोटरबाइक्स, कार. पिलग्रिमेज प्लेसेस में क्या आएगा, सेबर, जलोत्रा, मागरवाड़ा, प्लेसेस ऑफ साइट सीइंग. तो आपके टेंसिल के अकॉर्डिंग आपको ये सब फिलअप करना है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे लिखा हुआ है आप वो ही लिखोगे. ओके, फिर फेयर्स, तो आपके टेंसिल या आपके विलेज में जो भी फेयर्स होते हो वो लिखना है. मेन फेस्टिवल, तो आपके विलेज और टेंसिल में जो भी मेनली सेलिब्रेट किए जाते हो वो टेंसिल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे, से फेस्टिवल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लिखना है. ओके, थिंक एंड टेल द विलेजेस विच आर नियरली अवर विलेज कोल्ड अवर नेबरिंग विलेज. जो भी विलेज हमारे नज़दीक होते हैं उसको हम नेबरिंग विलेज कहेंगे. द टेंसिल नियर बाय अवर टेंसिल इज कोल्डर नेबरहुड टेंसिल. अब हमारे टेंसिल के नियर में जितने भी टेंसिल आएंगे उसको हम कहेंगे नेबर टेंसिल. ओके, समटाइम्स नियर बाय विलेज वुड बी ऑल्सो इन अदर टेंसिल. नो डिटेल्स अबाउट नियर बाय विलेज. ओके, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास में जो गाँव होता है वो दूसरे को टेंसिल का पार्ट हो. ओके, थिंक एंड राइट. अब नेम ऑफ टेंसिल लिखना है, फिर नेम ऑफ विलेज, हु इज लिविंग, व्हाट आर दे डूइंग. ओके, यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टेंसिल में जो रहते हैं उनका एक लिस्ट बनाना है. फॉर एग्जांपल, एल्डर ब्रदर, फादर्स फ्रेंड, अंकल, आंट, आंट्स हस्बैंड एंड मामा, मामा. ओके, तो यहाँ पे हु लिविंग, कौन रहता है, नेम ऑफ द टेंसिल, उनका वो कौन से विलेज में रहते हैं और उनका टेंसिल कौन सा है, और व्हाट आर दे डूइंग, और वो वहाँ पे क्या करते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमें देनी है. तो फर्स्ट है एल्डर ब्रदर, तो जो एल्डर ब्रदर है वो कौन से विलेज में रहता है, बंदीवाड़ा, और वो कहाँ पे कुछ टेंसिल में है, जो बंदीवाड़ा है वो मेघराज टेंसिल में है. ओके, इसी तरह से सारी इन्फॉर्मेशन आपको लिखनी है. सेकंड है फादर्स फ्रेंड, तो फादर्स फ्रेंड अंबाजी में रहते हैं, उसका टेंसिल कौन सा है, दांता, और वो वहाँ पे क्या करने के लिए गए हैं, बिजनेस करने के लिए गए. इस तरह से ओल्डर अंकल, आंट, आंट्स हस्बैंड, मामा, आपके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो. ओके, गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट अदर टेंसिल एंड विलेज लाइक दिस एंड पास इट ऑन टू योर फ्रेंड्स. ये इन्फॉर्मेशन आपको आपके अकॉर्डिंग लिखनी है कि आपके जो रिलेटिव्स है वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट विलेजेस में रहते हो, उनका हमें लिस्ट बनाना है, इसके अकॉर्डिंग विलेजेस के अकॉर्डिंग उनके टेंसिल के नेम लिखना है, और वो वहाँ पे जाके क्या काम करते हैं वो भी आपको यहाँ पे लिखना है. ओके,